अरे ये चाचा के घर में आके मैं फंस गया हूँ यार, अभी वापस घर भी नहीं जा सकता। सरकार को भी अभी लॉकडाउन करना था, कम से कम एक बार पूछ लेना चाहिए था लॉकडाउन करने से पहले। अरे मिलो ब्रो, तू क्या बोल रहा है? किसको पूछ लेना चाहिए था? तू क्या प्रेसिडेंट है? नहीं। होम मिनिस्टर है? नहीं। प्राइम मिनिस्टर है? नहीं। तब तो कोई तुझे क्यों पूछेगा लॉकडाउन करने से पहले? भाई तू होश में है ना? अरे मेरा दिमाग खराब हो गया यार यहाँ पर रह के। देख मिलो ब्रो, तू टेंशन वेंशन मत ले, अब तू वहाँ पे पहुँच गया ना तो अब बैठ के तू चिल करने चिल। अबे तेरा चिल पिल गया तेल लेने, बकवास मत कर यार। मगर घर में तो तेल है। तुझे पता है यहाँ पर एक से एक करेक्टर मिलेंगे तुझे। मेरे चाचा जी पूरे दिन डायलॉग बाजी मारते रहते हैं और मेरा दिमाग पकाते रहते हैं। नाना जी खुद जोक मारेंगे और खुद ही हंसते रहेंगे, पता नहीं क्यों मुझे तो 1% का भी हंसी नहीं आता है उनके जोक पर। चलो चाची ठीक है, वो अच्छी है, मतलब वो मेरी ख्याल बहुत अच्छी तरह से रखती है। वाह ये तो अच्छी बात है। वाह नहीं भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी इस घर का तो मेन कैरेक्टर बाकी है, सबसे बड़ा नमूना, मेन नमूना इस घर का। अच्छा कौन है? मेरे चाचा का बेटा, मिंटू नाम है उसका। अभी तो फिलहाल शायद गेम खेल रहा होगा, वरना पूरा दिन मेरे पीछे लगा रहता है और हर समय भैया 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 करते रहता है। भैया लो आ गया। भैया पतात पतात की नौत है, आपका भाई हौत है। अब जाकर आइसक्रीम खा ले, ठंडा हो जाएगा। ओके मगर भैया मेरे को आपको एक बात बोलना था। अरे यार ये फिर पकाएगा क्या भैया? कुछ नहीं बोल, क्या बोल रहा था? ओ क्या है ना भैया, मेरे को थला वाली है बोलने में है। अरे ऐसी कौन सी बात है जो तुझे बोलने में शर्म आ रही है? एक शर्मा मत, बोल दे क्या बात बोलना है। नहीं भैया नहीं। अरे तू शर्मा मत, बोल तू आराम से बोल क्या बोलना है, बोल। नहीं ना भैया नहीं। अरे बोल। नहीं ना भैया। बोल। नहीं भैया। बोल। नहीं नहीं नहीं। अरे बोल। नहीं ना भैया मेरे को सलाम। हाथ रहने दे, मत बोल। नहीं सुनिए। बक मुझे ना एक लड़की से प्यार हो गया है। ओ बस इतनी सी बात है? एक मिनट, क्या हो गया? प्याल प्याल। सुना मैंने ब्रो? हाँ भाई। इसको इसको प्यार हो गया क्या भैया? आप लोग खा तो लो। पर अब तू करेगा क्या? मैं ना उसको अपनी डीएफ बनाना चाहता हूँ। वाह डीएफ बनाना, लव एट फर्स्ट टाइम है। हाँ तो भैया आप मुझे कुछ आइडिया दो ना, मैं उसको कहते अपनी डीएफ बनाऊँ। कौन मैं आइडिया दूँ? अरे इसकी खुद की नहीं बनी, ये तुझे क्या आइडिया देगा? ये तो चुप है। अच्छा मिंटू ये बता कि वो लड़की दिखती कैसी है? बहुत सुंदर है, एक नंबर की हीरोइन है। हीरोइन ऐसी बात है, और मैं उसका हीरो। अरे वाह मेरे हीरो। अच्छा ये बता कि उसका नाम क्या है? उसका नाम श्रद्धा है। वाह नाम में ही श्रद्धा, मतलब तुझे बहुत श्रद्धा से रखेगी है। हाँ। अच्छा तो फिर ये बता कि उसकी उम्र कितनी है? मेरा मतलब है तेरी उम्र की है या तुझसे छोटी? मेरे उम्र की तो नहीं है और मुझसे छोटी भी नहीं है, मेरे तो बड़ी है। हैं तुझसे उम्र में बड़ी है तो फिर कैसे चलेगा यार? अरे क्यों नहीं चलेगा तो ब्रो, तू चिंता मत कर, प्यार में लोग उम्र नहीं देखते, समझा? हाँ ये बात भी तो सही है। अच्छा तू ये बता कि उसको सबसे पहले तूने कहाँ पर देखा था? 2 महीने पहले देखा था, यहाँ पर एक बड़ा था फंक्शन हुआ था तो वहीं पर वो आई थी। हाँ देखते ही प्यार हो गया। भाई हाँ तेरे पास फोटो वोटो है उसकी? फोटो तो नहीं है, मगर एक मिनट गूगल में दलूल होगा। है गूगल में होगा? कहाँ गई मिली हीरोइन? हाँ मिल गया,
ये लीजिए। हाँ दे, एक मिनट भाई तू रुक थोड़ा। इसको जीएफ बनाना चाहता है? हाँ। इसको? हाँ। ये जा रही है, श्रद्धा कपूर है ये? हाँ पता है। हाँ पता है क्या? हाँ पता है, अरे बहुत बड़ी हीरोइन है ये। हाँ वो भी पता है। देखो ये भी पता है। अरे तुझे अपनी शक्ल देख लगता है कि ये तेरी जीएफ बनेगी बोल के? हाँ। ये भाई तू यहाँ से जा, तू यहाँ से जा वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। जा भाई जा, प्लीज तू यहाँ से जा। ठीक है। मगर भैया दीप बनेगी कि नहीं बनेगी? Snoop Dogg.